इंडियन वुमन वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वुमन सेकेंड ओडीआई मैच विकेट कीपर में मोनी भाई। देखो चौथे पे आती है, बैटिंग बहुत प्यारी करती है और ऑस्ट्रेलिया के फेवर में थोड़ा टीम बनाएंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मोनी पिक कर लेंगे, हेली पिक कर लेंगे। और यहाँ से यश भाटिया भाई, यश भाटिया मैंने देखा कि नीचे आके अच्छी टेक्निक वाली बैटिंग कर रही है, तो आप चाहो तो इम्पोर्टेंट है, ले भी सकते हो। ऋचा घोष का भी ये है, तो थोड़ा मैं ऑस्ट्रेलिया के फेवर में टीम बना रहा हूँ। तो यहाँ से पैरी भाई, पैरी क्या ही बैटिंग करता है, अभी तो ओवर नहीं डाल रही, नहीं तो और इम्पोर्टेंट हो जाएगी। तो भाई हरमनप्रीत कौर भाई, ये बैट्समैन बहुत बढ़िया है, मगर बोलते हैं ना कि जैसे जैसे एज होती रहती है तो मतलब उतना खास बंदा कर नहीं पा रहा। तो चाहो तो हम ले सकते हैं, हरमन ले सकते हैं या जमीका राउटर्स। तो फिलहाल मैं जमीका राउटर्स के साथ जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा ही अच्छी बैटिंग करती है टेक्निकली। शिफाली वर्मा भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है, मगर क्या बोलते हैं ना कि इससे कुछ हो ही नहीं पा रहा। एक होता है ना कि फॉर्म ऊपर नीचे होगी, वो वाली हरकतें होगी इसके साथ, तो फिलहाल तो मैं अभी ड्रॉप करके चल रहा हूँ। तो भाई पी लिट फोल्ट, ये भाई अच्छी बैटिंग करके गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं फिलहाल पिक कर ले रहा हूँ। ऑलराउंडर में चलते हैं, गार्डनर पिक कर लेंगे, दीप्ति पिक कर लेंगे, पूजा वासरेकर और टीम मगरा। भाई ये जो ऑलराउंडर है सब ओवर डालते हैं। पूजा वासरेकर का मैं दिखा दूँ भाई, बैटिंग शानदार करके गई थी इसलिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से है स्विट्जरलैंड, अब ये देखना पड़ेगा कि ओवर डाल रही है भाई, ओवर डाल रही है, ओवर डालने का मतलब इम्पोर्टेंट है, बैटिंग भी बहुत शानदार करती है। अब एक और का क्या है भाई, देखना पड़ेगा। एक और भाई बैटिंग भी करके गई है, बॉलिंग भी, तो का उतना ओवर नहीं डाली गई इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब भाई देखो गेंदबाजी की तरफ चलते हैं, बैट्समैन तो हमने बहुत सारे उठा लिए और गेंदबाजी में एक अपना है वेरान स्पिनर ले लेंगे, और एक या रिंकू या स्कर्ट्स, इन दोनों में से थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे, तो फिलहाल मैं भी स्कर्ट्स के साथ ही जा रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के फेवर में टीम बनानी। देखो कप्तान वाइज तो फिलहाल मस्ट चॉइस होने चाहिए गार्डनर, आपको सबको पता है बैटिंग भी करेगी बॉलिंग भी, तो वाइस अब देखना पड़ेगा। मगरा ओवर डाल दिए तो भाई वाइस के दावेदार है, आप सबको पता है। ओ भाई दो ओवर डाल भी दिए तो आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट। फिलहाल तो मैं हेली को वाइस बना रहा हूँ, आप चाहो तो मुनी हटा के इंडियन एक गेंदबाज भी ले सकते हो या इंडियन एक बैट्समैन ले सकते हो या रिंकू को प्रेफर कर सकते हो। तो ये अपनी डेमो टीम है भाई से है, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगी, देखते रहना लाइक और कमेंट के साथ तैयार हो।